उत्तराखंड की प्रतिनिधि लोक कथाएं, संपादन एवं संयोजन जाफर अली। आज की कहानी है लट पंचायत। संकलनकर्ता डॉक्टर दीवान, नगरकोटी। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, संकलनकर्ता डॉक्टर दीवान नगरकोटी, मैं इन्हें कहानी के लेखक ही मानती हूँ, क्योंकि इन लोक कथाओं को इन्होंने अपने शब्दों में लिखा है। और बाकी की जो कहानियां हैं जिन्हें मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, वो कहानी भी अलग अलग संकलनकर्ताओं की है, लेकिन मेरी नज़र में ये संकलनकर्ता इन कहानियों के लेखक ही हैं, क्योंकि ये इन्हीं के शब्द हैं। आज की कहानी लट पंचायत मेरे लिए बहुत विशेष है, क्योंकि जिस समय से हम आज गुजर रहे हैं भारत में और विदेश में, जिस तरह से हमारी प्रकृति को बहुत सारा नुकसान हुआ है और कहीं ना कहीं आज हम उसका भुगतान भुगत रहे हैं, वो और कैसे सामूहिकता से और सद्भावना से हम बड़े से बड़ी जो परेशानी अपने सामने आती है, या इस समय जो हमारे देश में भी परेशानी आई हुई है, उसको हम कैसे पार कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं, इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं इस कहानी ने छुआ है। तो आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुने। लट पंचायत बहुत पुरानी बात है। उत्तराखंड में गढ़कोट नाम की एक खुशहाल रियासत थी। रियासत के राजा रतन सिंह थे। वो न्यायप्रिय और कर्मठ थे। दिन रात प्रजा की भलाई के कार्य में जुटे रहते। रतन सिंह के दो जुड़वा पुत्र थे, एक का नाम सौर और दूसरे का नाम भौर था। दोनों राजकुमार बलिष्ठ और चतुर थे। उनकी शिक्षा के लिए राजा ने विद्वान गुरुओं को नियुक्त किया था। दोनों की बराबर योग्यता को देखकर राजा चिंतित थे कि अपना उत्तराधिकारी किसे बनाएं। एक बार राजगुरु के सामने उन्होंने अपनी चिंता प्रकट की। राजगुरु ने सलाह दी कि इस समस्या का समाधान सिमगिरी पर्वत के लाठी वाले साधु पर छोड़ देना चाहिए। राजा को यह सुझाव पसंद आया। दोनों राजकुमारों को लेकर वो घने जंगल के बीच बने आश्रम में पहुंचे। ध्यान में लीन साधु को प्रणाम करने के बाद उन्होंने अपने आने का कारण बताया। साधु ने हवा में हाथ घुमाया और एक एक कर दो लाठियां निकाली। उन्होंने राजकुमारों को थमाते हुए कहा कि इन चमत्कारी लाठियों से अच्छे काम करते जाना। राजा साधु से कुछ पूछते इससे पहले ही साधु बोले, हे राजन, संपूर्ण प्रजा को बराबर समझने वाले राजा को अपने महल में भी न्याय का उदाहरण देना चाहिए। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते, फैसला आपको स्वयं करना है। राजा रतन सिंह अपने दोनों पुत्रों को लेकर राजमहल वापस लौट आए। राजमहल में पहुंचकर उन्होंने अपने पुत्रों से अपनी कार्यकुशलता और राज्य संचालन की योग्यता का प्रमाण देने के लिए गांव जाने का हुक्म दिया। दोनों राजकुमार बुद्धिमान थे। सौर बलवान था तो भौर शांत और धैर्यशील। दोनों अपनी अपनी लाठी लेकर अलग अलग गांवों को निकल पड़े। पहला राजकुमार सौर जंगल को पार कर एक गांव में पहुंचा। उसने देखा गांव में लोगों के छोटे छोटे घर हैं और उनके पास पैसे की कमी है। वो सीधे लोहार के पास गया। उसने वहां कई कुल्हाड़ियां बनवाई। साधु की दी हुई लाठी पर उसने एक कुल्हाड़ी चढ़ाई। इसके बाद वो जंगल गया। वो पेड़ों से बहुत सारी लाठियां बना ली। इन लाठियों पर कुल्हाड़ियों को चढ़ाकर उसने गांव के हर परिवार को एक एक कुल्हाड़ी दे दी। उसने लोगों से कहा, तुम लोग नगर में लकड़ी बेचकर अच्छा पैसा कर सकते हो, और जब सब कुछ दिनों में तुम्हारा गांव संपन्न हो जाएगा तो तुम अपनी कमाई का एक भाग कर के रूप में राजकोष में जमा कर देना। इससे राजा भी प्रसन्न हो जाएंगे। गांव वालों ने राजकुमार की आज्ञा का पालन किया। गांव के परिवारों में पैसा कमाने की होड़ लग गई। दो चार परिवार संपन्न हो गए। धीरे धीरे गांव का जंगल खत्म होने लगा।
इससे पशुपालन व खेती पाती चौपट होने लगी। अब लोग दूसरे गांवों के जंगल में भी लकड़ी काटने के लिए जाने लगे। देखते ही देखते गांव वालों में परस्पर राग द्वेष भी बढ़ने लगा। उधर दूसरा राजकुमार भौर साधु का वेश बनाकर एक गांव में रहने लगा। गांव के लोग उसे काफी आदर देने लगे। वो दिन भर गांव में रहता, वहां के लोगों से मिलता और रात को उनकी भलाई के बारे में सोचता। कुछ दिनों बाद उसने गांव के मंदिर में भंडारे का आयोजन कर सभी गांव वालों को भोजन करवाया। भोजन के बाद उसने गांव वालों से कहा, इतने दिन गांव में रहकर मैंने आप लोगों में आपसी सद्भाव और सामूहिकता की भावना देखी है। यही आपके गांव और राज्य की खुशहाली का मूल मंत्र है। इससे मुझे परम आनंद मिलता है। मेरे पास केवल गुरु की दी हुई एक लाठी है और यही मेरा सब कुछ है। मैं चाहता हूं कि इसे आप लोगों को उपहार में दे दूं। इसे आप लोग आपस में बराबर बांट लें, किंतु ध्यान रहे कि बंटवारे में लाठी के टुकड़े ना हो, साथ ही इसका उपयोग निजी लाभ के लिए भी न हो। यदि ऐसा हुआ तो गांव में सामूहिकता की भावना खत्म हो जाएगी, गांव बिखर जाएगा और उसे सूखा व अकाल जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। गांव के पंचों ने इस लाठी के उपयोग के लिए पंचायत बुलाई। बुजुर्ग पंचों ने लाठी के बंटवारे का एक अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने गांव से लगे जंगल की सीमाएं तय की और जंगल की देखरेख के लिए इस लाठी का इस्तेमाल किया। ये लाठी बारी बारी से गांव के सभी परिवारों में घूमती। जिस परिवार के पास ये लाठी पहुंचती, उस दिन जंगल की देखभाल एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी उस परिवार पर होती थी। उस परिवार के मुखिया को उस दिन समूचे गांव की शक्ति का प्रतीक माना जाता था और सभी उसकी बात मानते थे। वो जंगल के नियमों का पालन करता था और जंगल से मिलने वाली जरूरी चीजें, घास, लकड़ी, हरी व सूखी पत्तियों के बंटवारे पर भी नजर रखता था, ताकि सभी परिवारों को जंगल से मिलने वाले लाभों का बराबर हिस्सा मिल सके। समय बीतने के साथ साथ वनों की सुरक्षा का ये तरीका दूसरे गांवों में भी फैलने लगा। वनों की देखभाल के इस तरीके को लठ पंचायत नाम से जाना जाने लगा। पूरे राज्य में इसकी चर्चा होने लगी। जहां भी लोग इस तरीके को अपनाते, उन गांवों में लोगों को घास, पानी, लकड़ी, चारे और दही दूध की कोई कमी ना होती। पूरे गांव समाज में ऐसा मेल जोल रहता कि सभी लोग बड़े बड़े काम जैसे गूल, स्कूल का रास्ता बनाना आदि सामूहिक रूप से कर लेते। राज्य की ओर से मिलने वाली थोड़ी मदद से ही गांव में अच्छे अच्छे काम होने लगे। खेती और पशुपालन के कार्य भी लोग मिलजुल कर लेते। इस प्रकार गांवों में खुशहाली आने लगी और गांव आत्मनिर्भर होने लगे। लोग राजकीय खजाने में अपने आप धन जमा करने लगे, राजा का खजाना भरने लगा। राजा को जब यह खबर मिली कि ये सब राजकुमार भौर की सूझबूझ से हो रहा है, तो अपने दोनों पुत्रों को उसने वापस बुला लिया और भौर को अपना राजपाट सौंप दिया। धन्यवाद। तो देखा, इस छोटी सी लोक कथा से हमें आज के लिए भी कितनी बड़ी एक शिक्षा मिलती है। कहीं ना कहीं हमें भी एक ऐसी लाठी की ज़रूरत है जिसको कोई बिना तोड़े अच्छे से इस्तेमाल करे। धन्यवाद।